संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा को प्रमोट करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य दूतावास कोलकाता और इंडो अमेरिकन सेंटर ने चार पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षा मेला का आयोजन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों में चीन के बाद भारत ऐसा देश है जहां से सबसे अधिक विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। हाल ही में इन शिक्षण संस्थानों के नियमों में ढील दी गई है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहां ज्यादा से ज्यादा दाखिले होंगे। शिलांग के सेंट एंथोनीज कॉलेज में यूएस यूनिवर्सिटी एलुमनी इंडिया कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। So today we're very excited to be in Shillong because we are hosting a U.S. Alumni University's Connect program. And the goal of this program is to expose all the students and prospective students here about higher educational opportunities in the U.S. Right now in America, there are about 186,000 Indians studying in the United States. In the eastern region, Kolkata continues to be the largest sender of international students to the U.S. But Siliguri, Jamshedpur, Ranchi, Shillong and Guwahati are fast picking up. I have personally counseled students from your cities, these cities, who are successfully pursuing their higher education in the United States. मौजूदा सांसद तथा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने राफेल करार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की है। अगरतला के कांग्रेस भवन में सुष्मिता देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राफेल करार में प्रधानमंत्री का भी हिस्सा है। उनके मुताबिक राफेल घोटाला भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। देव का कहना है कि यूपीए के कार्यकाल में ही 520 करोड़ की लागत से यह करार किया गया था और फिलहाल उसी करार की लागत बढ़कर प्रति प्लेन 1670 करोड़ हो गया है। सुष्मिता देव ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने का आरोप लगाया है। हिमालय की गोद में बसे छोटे से राज्य सिक्किम में आगामी आम चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां विभिन्न कार्यक्रमों और जनसभाओं के आयोजन में व्यस्त है। इसी कड़ी में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने सिंगतम में मेगा अम्ब्रेला रैली का आयोजन किया। इस छाता रैली में हजारों की संख्या में पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया। रैली का नेतृत्व पर्यटन मंत्री उगेंती ग्यात्सो भूटिया और परिवहन मंत्री डीटी लेप्चा ने किया। यह रैली 2019 के आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के दिशा निर्देश पर आयोजित अंतिम केंद्र कार्यकारिणी बैठक ने 2019 के आम चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। दूसरी पार्टी ने जो किया था वो सारे सिक्किम की जनता भेला की थी, या खाली तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सारी सिक्किम की जनता चामलिंग साहब के साथ है, एसडीएफ को फिर 19 में जिताना चाहती हैं। हमारे एसडीएफ पार्टी के सिर्फ तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी के आदमी आज आप देख रहे हैं, जन सैलाब जो उभरा है ये सिर्फ तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी के, एक है तुमिंगलिंगी, दूसरा सिंगतम खामदुंग और 18 वेस्ट पार्टम कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इतना कॉन्फिडेंट है कि 2014 में जो अफवाह एसकेएम पार्टी ने फैलाया था, वोटिंग के दिन भी वो लोग एसकेएम पार्टी ने कैसा अफवाह फैलाया था कि धर्मदिन समष्टि एसडीएफ पार्टी हार गया बोलकर, बल्कि आज धर्मदिन समष्टि में हम लोग का माननीय विधायक डीएन शेरपा विधायक है,
वो नहीं आ रहे थे, ऐसा ऐसा अफवाह फैलाकर झूठ का राजनीति कर फरेब कर छल कर ना आठ सीट तो ले लिया, लेकिन इस बार ईस्ट का जनता बहुत जागरूक है। सिक्किम के सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आज पूर्व सिक्किम के सिंगताम बाजार में तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रमशः तुमिलिंगी, सिंगताम खामदोंग और पश्चिम पंजाम के जनता को इकट्ठा करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और 2019 के लिए एसडीए पार्टी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश के छात्र संघ मिजो जिल्लाए पॉल ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए राज्य सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ अपना अभियान और तेज करने का निर्णय लिया है। एमजेडपी ने यह निर्णय गुरुवार शाम हुई एक बैठक में लिया। संघ ने असम में एनआरसी का फाइनल मसौदा प्रकाशित होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा के कड़े कदम नहीं उठाए जाने पर सरकार की आलोचना की है। 16 अगस्त से अब तक एमजेडपी ने असम मिजोरम सीमा में तीन तलाशी चौकियां बिठाई हैं। यहां तक कि छात्र संघ इनर लाइन परमिट न दिखा पाने पर 400 गैर जनजाति लोगों को वापस भेज चुका है।